आप कैसे हैं, चर्च में कैसे हैं, लेकिन चर्च से जाने के बाद अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में आप कैसे हैं, यही फर्क है। यही फर्क है कलीसियाओं में, जहां कलीसियाएं आती तो हैं, क्रिश्चियंस तो हैं, लेकिन अपने कर्मों से अपने क्रिश्चियन होने का वो इनकार करती है। बाइबल कहती है अगर तू नौकरी करे तो अपने मालिक को, चाहे वो अविश्वासी हो, उसको परमेश्वर के समान समझना, उसकी सारी बातों को मानना सिवाय परमेश्वर के खिलाफ जो बात हो उसके, तो परमेश्वर स्वर्ग से देख के तुझे आशीष देगा। याकूब जिस काम में था उस काम में चोरी बहुत आसान है। आप भेड़ बकरियों को लेकर चराने गए, 3 दिन की चढ़ाई है, 4 दिन का, 7 दिन का, तब ऐसे नहीं होता था कि थोड़ी सी भेड़ बकरियां यहां चराए वहां चराए, चारा खत्म होता, क्योंकि लोगों का व्यवसाय यही था, गाय बैल भेड़ बकरियां लोगों का मुख्य काम था ये, तो उनको 7-7 दिन 8-8 दिन के सफर पर जाना पड़ता था और भेड़े चरानी पड़ती थी, फिर रात को भेड़े संभालनी पड़ती थी, उन्हें गिनना पड़ता था, भेड़ियों से, शेर से, बनैले पशुओं से उन्हें सुरक्षित रखना पड़ता था। याकूब ने कहा रात को पाला ओस मुझे खा गई, बारिश मुझे खा गई, दिन को गर्मी मुझे खा गई, रात को मुझे नींद नहीं आती थी, कोई पशु गलती से मर गया तो अपनी तनख्वाह से मैं उसे भरता था और मैंने एक भी गद्दारी नहीं की, इसीलिए परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में मिरेकल किया। जब तूने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी तनख्वाह होंगे तो वो धारी वाले पैदा करने लगी, चित्ती वाले तेरी तनख्वाह होंगे वो चित्ती वाले पैदा करने लगी, डॉटेड डॉटेड तेरे तनख्वाह होंगे वो डॉट वाले पैदा करने लगी। और आपकी आमीन, आपकी तारीफ छोटी है चर्च, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा जब मैं परमेश्वर के साथ वफादार था, जब तू मेरे पास नहीं था, लेकिन जब मैं भेड़ों और बकरियों को चरा रहा था तो परमेश्वर मेरे पास था, जब मैं उनको चराने के लिए लेके गया तो परमेश्वर मेरे साथ था। आज पास्टर्स को यह परवाह है कि लोगों को क्लियर कैसे करने हैं, मैं पैसे खाता हूं लोगों को ऐसे समझाऊं, अरे लोगों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, जब तेरा दिल तुझे दोषी पाएगा लोग चाहे तेरी वाहवाही करें चाहे ना करें कोई फायदा नहीं। अब याकूब ऐसी पोजीशन में है, अगर वो चोरी करे कोई उसे पकड़ नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जब 2-2, 3-3 हजार भेड़ बकरियां होती उनके जब बच्चे होते बड़ी साल में तिगनी हो जाती हैं, ये 10-15-20-50-100 भेड़े चुराना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मैंने कहा आप किस तरह के क्रिश्चियन हैं, मोस्टली मेनली जब आप यहां से जाएंगे तब आप किस तरह के क्रिश्चियन हैं, क्या आपका विवेक दोषी तो नहीं, आपका विवेक आपको दोषी तो नहीं ठहराता जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं। परमेश्वर कैसे इंटरफेयर करे एक चोर की लाइफ, एक व्यभिचारी की लाइफ में, वो कैसे आपको स्पर्श करे, कैसे वो आपके सपनों में आए, कैसे वो दूसरों के सपनों में आपके लिए जाए। हमें कुछ दिखाना होगा कि हम तेरे वचन के साथ सच्चे हैं, पाले में भी, धूप में भी, छांव में भी, बारिश में भी, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर तब हमारे साथ खड़ा होगा। एक व्यक्ति ने मेरा नुकसान करना का सोच लिया, उसने कहा मैं इसका नुकसान करूंगा। पहले वो इधर उधर जाता रहा, बड़े बड़े लोगों से मिलता रहा, वहां उसकी बात जब नहीं बनी फिर वो और तरीके ढूंढने लगा, फिर वहां बात नहीं बनी, एंड में उसने कोई तरीका सोचा मेरे खिलाफ, और उस तरीके का वो जब कामयाब करने के लिए जा रहा था उसी रात उसकी बिल्डिंग गिर गई, उसी सेम नाइट, मुझे नहीं मालूम ऐसा चक्कर में फंसा वो,
ऐसा फंसा आज तक नहीं निकला हो। और मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कोई प्रेयर नहीं की, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे बाद में मालूम हुआ कि यह बंदा इस फिराक में था। जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, वो सपनों में जाएगा लोगों के, वो लोगों के हृदय से बात करेगा, वो डिवाइन हेल्पर से बात करेगा, वो रिश्तों से बात करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो गवर्नमेंट से बात करेगा आपके लिए, रिश्तेदारों से बात करेगा आपके लिए, आपके दोस्तों से बात करेगा आपके लिए, आपके बॉस से बात करेगा, आपके मेंटर से बात करेगा, आपकी वाइफ से बात करेगा, आपके हस्बैंड से बात करेगा, आपके बेटे से, आपकी बेटियों से बात करेगा, आपकी बहनों से, आपके भाइयों से बात करेगा। जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल होंगे, वफादार होंगे, वो बात करेगा, वो बात करेगा आपसे, वो बात करेगा आपसे, वो आपके खाने तक के लिए आपसे बात करेगा, आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी बोल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है आप लोगों के लिए, वो आपको डिलीवर करने, आपको छुड़ाने के लिए, एनीथिंग। जब आप क्लीन, साफ, कॉन्शियस, विवेक के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे, आप मुझे बताइए कि यहां तो आप क्रिश्चियन हैं, यहां से कुछ ही मीटर की दूरी में जाने के बाद आप क्या हैं? वो है असली चेहरा। यहां तो मैं प्रचार कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद मेरे इधर और आपके उधर फिर हम क्या हैं? उसने कहा, जब मैं दूर था तू मुझे देखता नहीं था, पर दिन का घाम, रात का पाला, बारिश, जंतुओं की बनेले, जंतुओं की चिंता, तेरे बकरियों की, तेरी भेड़ों की चिंता मुझे सताती थी, तो भी मैंने अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी ईमानदारी को बना के रखा और बरकरार करके रखा। आप जानते हैं कुछ लोग क्या करते हैं? बोलते हैं, अगर हम चोरी ना करें, अगर हम गद्दारी ना करें, तो हमारे घर का खर्चा नहीं चल सकता। अगर याकूब कमा भी लेता, चोरी कर भी लेता, तो परमेश्वर का स्पर्श जब उन भेड़ों और बकरियों पे आया, वो कभी ना आता। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि हम एक बड़ी कोठी छोड़ के मैं आया था, जब मैं आया था यहां पे, मुझे थोड़ी मालूम था, बिना किसी कंडीशन के घर छोड़ दिया जो पूरा हमारे नाम पर था, क्योंकि वह हमारा नहीं था। अगर मैं उसको पकड़े रहता तो इमेजिन करो क्या होता आज। शायद वो पकड़े रहता, लड़ता रहता, झगड़ता रहता कुछ करोड़ के लिए, और ये मिस कर जाता। और लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं। बेस्ट पार्टनर्स मिस कर दिए उन्होंने, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्रों में बेस्ट लोग मिस कर दिए, बेस्ट सेवकाइयां मिस कर दी पाप की वजह से, चोरी की वजह से। जब परमेश्वर आपको अपने साथ चलने के लिए बोलता है, तो वो एक लंबा प्लान आपके लिए सोच कर ये बोलता है, आपको उस चलन में, उस वॉक में, उस वे में आपको मुश्किल हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन बाद में परमेश्वर का स्पर्श जब आप पे आएगा, आप हैरान होंगे ये क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। हालेलुया। आप फिर देखेंगे क्या हो रहा है। एक पेड़ लगाना, उसकी गोटी करना, उसको खाद देना, उसको ध्यान रखना, उसका पूरी तरह से चेक करना, उसको बड़ा होते देखना, कई बार सूख जाना, फिर करना, बड़ा होना, लेकिन जब बड़ा होके वो फल देता है, ये वो वाला काम। ये मसीह जिंदगी ऐसी, आप जो मर्जी करो, वो कहता तेरा जो दिल करता है कर, लेकिन इस बात का ध्यान रख कि तेरा परमेश्वर इन सब बातों के विषय में तेरा न्याय करेगा। तू जो करना है कर, लेकिन तेरा न्याय होगा परमेश्वर का। आप अगर आप ध्यान से समझेंगे, तो एक भी बार याकूब को आवाज नहीं आई कि बेटा लव मैरिज मत कर, कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा मुझे जाना है, परमेश्वर कहता चल 20 साल लगा रहे। उसका बाप बड़े आराम से
मैरिज हो गई, लड़की देखने तक नहीं गया। और बेस्ट मैरिज, हां सुनो मेरी बात, जितना संघर्ष याकूब ने अपनी फैमिली में किया वो उसके बाप ने भी नहीं किया और उसके दादा ने भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि याकूब की चार पत्नियां थी, दो पत्नियां और दो उनकी आगे, तो चार पत्नियां हमेशा लड़ाई, भाइयों में आपस में ना बनना, आज तुम्हारे घर आएगा तो यहां लंच करेगा, तो वहां डिनर करेगा, पढ़ो बाइबल। पर इसहाक को यह प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वचन मैंने आपको सिखाया था, परमेश्वर कहता जब मैंने हवा को बनाया तो और आत्माएं भी मेरे साथ थी, लेकिन मैंने कितनी बनाई? एक। करो संघर्ष, परमेश्वर कहता करो, तुमने चुन लिया तो करो। मैंने तुम्हारे लिए संघर्ष नहीं रखा है, ना तुम्हारे फाइनेंस में, ना तुम्हारी लाइफ में, ना तुम्हारी सेवकाई में। तुम करना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम चलो बाइबल के खिलाफ, हट के चलो लाइन से, तो करो संघर्ष। फिर बोलते रहना लाइफ इज ए स्ट्रगल, हां जिंदगी संघर्ष है, और साथ में पिक्चर के सॉन्ग भी गाना, हां जिंदगी है जंग है, हालेलुया, ये तुमने बना ली है जंग। इसलिए आप चाहते हो आपके बच्चे जंग में रहें हमेशा, सुबह उठे जंग चल रही, रात को जंग, चाहते आप चाहते? अच्छा तुम नहीं चाहते, तुमसे जो लाख गुना और मुझसे जो लाख गुना परमेश्वर अच्छा है वो चाहता होगा, वो नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, परमेश्वर चाहता होगा, हालेलुया। वो चाहता है हम बाइबल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, वो मुश्किल हो आसान हो या कैसे भी हो, लेकिन वही फॉलो करें, आमीन, हालेलुया। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको जस्ट बाइबल पर ध्यान देना है, जो वर्ड कहता है उसे फॉलो करना है, एग्जैक्टली चलना है, लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम। आप जानते हैं अमेरिकन जो बिजनेसमैन है, मोस्टली दुनिया की सब बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को वो सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी अमेरिकन बिजनेसमैन शुरू हुआ, उसने कहा था कि मैं गॉस्पल के लिए बिजनेस करूंगा, मैं गॉस्पल के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए काम करूं, अपनी वाचा पे अड़े रहे, अपने पैसों से खुदाबंद की महिमा की, बढ़ते चले गए और ट्रेंड बन गया। और आज दुनिया के सब बिजनेसमैन ये जानते हैं कि अमेरिका क्या है और उसके लोग क्या है। ये संभव है बाइबल की चीजों को, उसके वचनों को एग्जैक्टली फॉलो करना, ये आपके लिए जरूरी है, आमीन। जब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देता है, जब वो आपको ब्लेस करता है, मेक श्योर कि आप उस ब्लेसिंग को ना तो गाली दें, ना ही उसको पाप करने के लिए इस्तेमाल करें, आमीन। मैंने बहुत सी लोगों में देखी है चीजों को, मैंने देखा है जिन जो लोग कई बार जो कम पैसे वाले हैं वो ज्यादा अनॉइंटेड रहते हैं दूसरों से। जब लोगों के पास पैसा आता है वो तो क्या सोचते हैं, अच्छा मेरे पास 5 लाख है, अच्छा एक ही चर्च में दूं? नहीं यार, 2-3 चर्चों में देता हूं, सब मेरे लिए प्रार्थना करें। ये स्पिरिचुअल व्यभिचार है, स्पिरिचुअल। उन्हें लगता है मेरे पास ज्यादा पैसा है, मैं अलग अलग बोऊंगा तो सब मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। और एक व्यक्ति जो ये जानता हो कि ये औरत जगह जगह घूमती है, वो उसकी इज्जत नहीं करता, उसको पत्नी होने के लिए नहीं चाहता, हां वैसे संबंध चाहता है, कितने मेरी बात समझ रहे हैं, उससे फायदा लेने के लिए, पर उसको उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं। स्पिरिचुअल व्यभिचारी सेम है ऐसी, वो घूमते रहेंगे और फिरते रहेंगे, और एक भी ऐसा नहीं होगा जो बोझ लेकर उनके लिए प्रेयर करता होगा। मसीह लाइफ में कामयाब होना, ये विजडम चाहिए आपको, बुद्धि चाहिए इसमें कामयाब होने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक पत्नी दी, एक पति दिया, एक बाप दिया, एक चर्च भी एक दी है। होता क्या है, जब आप
फॉलो करना शुरू करते हैं और सेम विजन में आप भागी बन जाते हैं। आप कोई दो मन नहीं रहते, मुझे ये भी करना है। आपको मालूम है चर्च ये कर रहा है, मुझे ये करना है। ब्रांचेस ओपन हो रही, मुझे ये करना है। इवेंजलिज्म चल रहा है, मुझे ये करना है। अब एक तरीके से आप चलते हैं, ब्लेसिंग आपके सिरों पे रहती है और रहेगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं बच के रहा हूं। तो जितना जितना जितनी ब्लेसिंग मेरे पास है, फिर तो मैं 50 पास्टर्स के साथ मेरे मिलाप कर सकता हूं कि सब मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, बट ऐसा नहीं। आमीन। और जब इन बातों को हम समझ जाते हैं, स्पिरिचुअल चीजों को समझ जाते हैं, बिब्लिकल चीजों को समझ जाते हैं, हमें आशीष लेने में फिर टाइम नहीं लगता। अब यहां से जाएंगे तो घर जाने के बाद से आप क्या हैं, अपने दुश्मनों के लिए आप क्या हैं, वो पड़ोसी जिसने आपको गालियां दी उसको आप जाके गालियां देते हो, उसको पकड़ते हो या उसको माफ करते हो। पाप के टाइम पर जब वो आप पे अटैक करे, आप उसे त्याग देते हो, उसे छोड़ देते हो, ना करने का फैसला करते हो या आगे बढ़ जाते हो, पाप करते हो, यहां से जाने के बाद आप क्या हैं, ये आपने देखना है। आमीन। लेकिन जब आप वचन पे मनन करेंगे ना, अगर आपकी व्यभिचार कमजोरी है तो पढ़ो उन लोगों को जिन्होंने व्यभिचार किया और कहां पहुंचे, कहां सैमसन गया, कहां सुलेमान गया, जब उन्होंने गलतियां की उनके साथ क्या क्या हुआ। और हम उन वचनों को जब मनन करेंगे हम बचे रहेंगे। लेकिन अगर हम वचनों पे मनन नहीं करेंगे तो शैतान मेक श्योर करेगा कि हम भूल जाएं कि ये पाप का असर क्या है, और हम जैसे बकरा कटने के लिए जाता है, आगे गाजर पड़ी रहती ना ऐसे ऐसे, और उसे मालूम नहीं होता अब मुंडी उतरने वाली है सिर से, फिर वो ऐसे बकरे की तरह हम जा रहे हैं। हां, अपने पड़ोसी को बोलो यहां से जाने के बाद तुम क्या हो, वही तुम परमेश्वर की निगाह में हो और उसी के हिसाब से परमेश्वर काम करेगा। आमीन। उसी के हिसाब से, हालेलुया, उसी के हिसाब से, ना कि तुमने आमीन कितना जोर से बोला है। आमीन, हालेलुया, आमीन बोलो जोर से, लेकिन 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 ये सोच के बोलो कि इस आमीन को मुझे फॉलो भी करना है, अपनी लाइफ भी ऐसी बनानी है कि आमीन जचे मेरे पे। हां, कि जचे। हालेलुया। फिर ऐसा ना लगे कि एक आतंकवादी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं कि चर्च में तो आमीन आमीन बार होए पैहे काट। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो, बोलो चर्च से जाने के बाद तुम क्या हो, क्या तुम माफ करते हो, क्या तुम मनन करते हो, क्या तुम पवित्रताई में हो, क्या तुम प्रार्थना में हो, क्या तुम फास्टिंग में हो। आमीन। कहता तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, तूने कहा अब धारी वाले बच्चे तेरी तनख्वाह होगी। कहता बकरियां धारी वाले जनने लगी, सेम बकरियां, मां नहीं बदली, बाप नहीं बदला, बच्चे बदल रहे, कभी धारी वाले कभी चित्ती वाले। हां, मैं तो हैरान हूं, बकरे की फैमिली बेचारी क्या सोचती होगी। हालेलुया। कई बकरा शक ही कर रहा होगा, यार कहीं धारी वाला कभी चित्ती वाला, पता नहीं की चक्कर है यार। हालेलुया। कहता मैंने विजन देखा, क्या देखा विजन में, कि परमेश्वर वही बच्चे दे रहा है जो मेरी तनख्वाह है, वही बच्चे हो रहे हैं जो मेरी तनख्वाह है। कहता क्योंकि मैंने चोरी नहीं की, मैंने मक्कारी नहीं की, मैं राइट कॉन्शियस क्लीन विवेक और शुद्ध विवेक से परमेश्वर के सामने चलता आया हूं। दुनिया बदल दी लोगों ने, कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं मैं देश की बात नहीं, कॉन्टिनेंट चेंज कर दिए, जिनके विवेक शुद्ध थे एक बंदे ने ही कॉन्टिनेंट चेंज कर दिए, पूरे पूरे देश बदल दिए परमेश्वर में लेके आ गया एक शुद्ध विवेक वाला बंदा। अगर एक ऐसा हो, एक
बहुत काम कर सकते। हालेलुया।